नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से वेलकम है आपका आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपने गुलाब के प्लांट का कलेक्शन। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने सारे गुलाब के प्लांट दिखाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसकी केयर पर, वो आप ज़रूर देखें जिससे आप भी अपने गार्डन में ढेर सारे गुलाब के फूल पा सकें। और इसके बाद भी मैं वीडियो एक अब बनाने वाली हूँ, गर्मियों के लिए खास टिप्स देने वाली हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इनके क्या क्या नाम हैं। तो ये मेरा अंग्रेजी गुलाब है, शायद ये फ्लोरिबंडा की वैरायटी है और काफ़ी टिकाऊ फूल होता है। ये देखिए, उस दिन मैंने इसकी कलियाँ दिखाई थी, अब तक ये खिल रहे हैं, तो काफ़ी दिन तक टिका रहता है। ये भी ग्राफ्टेड रोज है, वाइट वाला। और ये देखिए, एक में कितनी सारी कलियाँ निकली हुई है, स्पेस नहीं है उस जगह पे, फिर भी वो उधर से ही निकल रही है। तो फ्लावर का साइज आप देख ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं। देखिए, एक में तीन तीन कलियाँ हैं ये, और ये खिलता हुआ काफी खूबसूरत लगता है। देखिए, पूरी तरह नहीं खिला है। तो कुछ वैरायटी ऐसी होती है जो जल्दी से एक दिन में खिलती है, दूसरे दिन उसका फ्लावर मुरझा जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दिन तक टिके रहते हैं। तो ये उन्हीं में से हैं, काफ़ी दिन टिका रहता है इसका फूल। अधिकतर मेरे पास ग्राफ्टेड रोज हैं। और ये देखिए, ये है मेरा क्लाइंबिंग रोज। देखिए, 14 इंच के पॉट में है, फिर भी देखिए कहाँ तक फैला हुआ है ये। अगर इसे थोड़ा सा सहारा मिल जाता, ऊपर इसकी बेल बनती है चढ़ाने के लिए, तो ये और भी ज़्यादा घना हो जाता, लेकिन मैंने इसको बुशी करा हुआ है, मैं इसकी बेल नहीं चढ़ाना चाहती थी, इसकी कटिंग कर दी थी, तो काफ़ी घना हो गया है, फैल गया है पूरा, और काफ़ी खूबसूरत फूल होता है और काफ़ी टिकाऊ फूल होता है इसका। तो ये वाइट कलर का क्लाइंबिंग रोज है, इसके और भी कलर आते हैं, ये देखिए बिल्कुल बंचेज में इसमें फ्लावर आते हैं छोटे छोटे, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये है सेंटीमेंटल रोज, ये भी फ्लोरिबंडा की वैरायटी है, और इसका फूल देखने में तो काफ़ी खूबसूरत होता है, लेकिन ये दूसरे दिन मुरझा जाता है, बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है ये देखने में। और देखिए, इसमें कितनी क्वांटिटी में फ्लावर्स आए हुए हैं। और ये भी ग्राफ्टेड गुलाब है, और इसका कलर देखिए बिल्कुल ब्राइट है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें भी काफ़ी बंचेज में फ्लावर आते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने लगाए हुए हैं। और ये है मेरा कश्मीरी गुलाब, और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब इसमें फ्लावर्स पूरी तरह से खिल जाते हैं तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल दिखती नहीं हैं, और काफ़ी घना प्लांट है ये। ये देखिए कितने छोटे से पॉट में है, काफ़ी घना है, और जब इसमें पूरे खिल जाएंगे तो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल दिखेंगी ही नहीं। और ये देखिए, मैंने कटिंग से जो प्लांट्स लगाए थे, अब इनमें फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये मेरी अंग्रेजी गुलाब की कटिंग है, और इन कटिंग्स को मैंने, ये जो मेरे प्लांट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए, इन्हीं से तैयार किया है, और इन्हें लगाए हुए लगभग 5 से 6 महीने या 7-8 महीने हो गए होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रहे हैं ये। और मैंने सुना है कि अंग्रेजी गुलाब की कटिंग नहीं लगती है, पर ऐसा नहीं है, इसकी कटिंग्स लग जाती है, और इनमें फ्लावर्स भी बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं, और फ्लावर का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए, अभी पूरी तरीके से खिला नहीं है। तो आप भी अपने घर पर ही प्लांट से कटिंग्स तैयार करके लगा सकते हैं। और ये है मेरा बटन गुलाब, इसे चाइना रोज़ भी कहते हैं, और इसमें भी बंचेज में फ्लावर आते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, और इसका फूल भी बहुत टिकाऊ होता है, कम से कम 5 से 7 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, इसके बाद ये थोड़े थोड़े मुरझाने लगते हैं। तो ये प्लांट भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये है देसी गुलाब, देसी गुलाब की तो बात ही अलग होती है, इसकी खुशबू तो बहुत प्यारी लगती है, और ये देखिए कितनी मात्रा में इसमें फूल आए हुए हैं। ये देखिए, और ये मैंने उस दिन दिखाए थे, देखिए अब तक खिले हुए हैं, अब इनको कट करना है। और ये देखिए, अभी खिल रहे हैं, कुछ खिल गए हैं, अभी भी कलियां आ रही हैं, तो पूरा गुलाब से भरा हुआ है मेरा गार्डन। और ये है गुलाब की एक मिनिएचर वैरायटी, येलो कलर की,
और ये फ्लावर्स पहले दिन तो काफ़ी ठीक रहता है, दूसरे दिन मुरझा जाता है। और ये देखिए एक और ग्राफ्टेड गुलाब येलो कलर का, इसमें देखिए ढेर सारी कलियां हैं। और ये प्लांट बिल्कुल फंगस से ख़राब हो गया था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बचाया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसका, ये देखिए इसकी डंडियाँ पूरी डेड हो चुकी थी। और ये मेरा सबसे खूबसूरत गुलाब आप इसे कह सकते हैं, ये है फ्लोरिबंडा की वैरायटी है, ये है रोज़ ब्लैक चेरी, और काफ़ी डार्क ब्राउन कलर होता है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इसमें भी देखिए कितनी घनी मात्रा में फूल आए हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने मेरे हिसाब से 1 महीने पहले कटिंग लगाई थी, ये अंग्रेजी गुलाब की कटिंग लगाई थी, इसमें भी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए। और ये देखिए मैंने टब में लगाया हुआ है, टब में क्योंकि काफ़ी स्पेस होता है तो उसमें नमी बनी रहती है, तो इसमें ही लगा दिया था। और मैंने बिल्कुल भी इसे छाया में नहीं रखा था, धूप में ही रखा रहा ये, और फिर भी इसकी कटिंग्स देखिए कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुई है। इसमें 3 कटिंग्स लगी हुई हैं, और ये टब मेरा कटिंग लगाने के ही काम आता है। इसमें और भी बहुत से प्लांट्स हैं, ये देखिए ये है डेजी, और इसके बीज मैंने पिछले साल इसी टब में लगाए थे तो वो पड़े रह गए, वो अब निकल रहे हैं। इसके अलावा मैंने इसमें पेंजी लगा रखा है। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बोगनविलिया की कटिंग मैंने फेब्रवरी में ऐसे ही लगा दी थी कट करके, और ये देखिए ये हो चुकी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली अपडेट इन प्लांट्स का डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।